हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिवा 60 से रिलेटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे इस इंजन मलफंक्शन लाइट के बारे में कि इसका आखिर काम क्या है। ये अपनी गाड़ियों में तो देखी होगी, बट ये स्कूटी में भी दी गई है अपनी एक्टिवा 6G में। तो इसका एक्टिवा 6G में क्या पर्पस है, किस काम के लिए ये लाइट यूज़ होती है? तो जब भी हम अपना इग्निशन ऑन करते हैं तो ये लाइट देखिए कुछ टाइम के लिए जलती है, हार्डली 3 और 4 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद ये ऑफ़ हो जाती है। फिर इसको बंद करते हैं, फिर से हम अगर स्टार्ट करेंगे इग्निशन को तो देखिए फिर से ऑन होगी और 3 और 4 सेकेंड के बाद ऑफ़ हो जाएगी। तो ये जो लाइट है इसका मेन जो काम है वो ये है कि जब भी हमारे फ्यूल इंजेक्टर में जो हार्नेस वायरिंग है उसमें जब कोई मेल फंक्शन होता है तब ये लाइट हमको इंडिकेट करती है कि आपके इंजन में कोई मेल फंक्शन हुआ है। एक्चुअली इस गाड़ी में कार्बोरेटर नहीं है, एक्टिवा 6G में डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। और जब भी फ्यूल इंजेक्टर के जो सेंसर्स इसमें जो प्रोवाइड किए गए हैं वो कोई भी मेल फंक्शन डिटेक्ट करते हैं इसकी वायरिंग में, इसके हार्नेस में। तो इससे ये पता लगता है कि हमारे इंजन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है या फिर हो चुकी है। तो ये लाइट हमको इंडिकेट कर देगी जब भी हमारी स्कूटी स्टार्ट होगी, इग्निशन ऑन होगा, अगर ये लाइट आपकी जल रही है लगातार तो इसका मतलब ये है कि आपके फ्यूल इंजेक्टर की वायरिंग हार्नेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम या फिर कोई ना कोई मेलफंक्शन ज़रूर हुआ है। तो ये हमको इंडिकेट ये करेगी कि आप तुरंत ही सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी स्कूटी को, जो अपनी स्कूटी का इंजन है वो प्रॉपरली चेक करवाएंगे। क्योंकि इसमें एक ECU यूनिट होता है, इंजन चेकिंग यूनिट होता है वो, तो वो ये उसमें सब कनेक्ट होता है, ये जो इंजन मलफंक्शन लाइट होती है, बाकी और सेंसर्स होते हैं अपने कार में देखे होंगे, तो ये सब उस ECU से कनेक्ट रहते हैं और वो हमको इंडिकेट करते हैं कि हमारी गाड़ी में कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। तो ये जो लाइट है ये हमें डिटेक्ट, ये हमें जो इंफॉर्मेशन है वो ये प्रोवाइड करती है कि फ्यूल इंजेक्टर में की जो वायरिंग हार्नेस है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। अब जैसे ये जो लाइट है अपर डिपर की, हमेशा आपने देखा होगा कि यूज़ डिपर एट नाइट ट्रकों पर भी लिखा रहता है, और ये एक बहुत ही अच्छा रूल है कि हमेशा हमें डिपर में ही चलना चाहिए, अपर में कभी नहीं चलना चाहिए। तो जब भी हम देखिए डाउन करेंगे लाइट को तो ये ऑफ़ हो जाएगी, ठीक है, और ये जब अपर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। मतलब ये हमें बता रहा है कि आपकी ये लाइट नहीं ऑन होनी चाहिए, गाड़ी चलाते समय इसको बंद रहना चाहिए। तो हमें यानी कि हमेशा डिपर में चलना है, ठीक है। तो यही आपके लिए आज की इन्फॉर्मेशन थी। और अगर कोई आपको एक्टिवा 6G से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो उसको आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।